हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम एक्सरसाइज 6.3 के लिए। क्या कह रहा है? फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक। तो कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम निकालना, तो उसके लिए लोकल मैक्सिमा निकालना होगा हमें इफ द प्रॉफिट फंक्शन आपके सामने गिवन है। तो जो गिवन कंडीशन है पहले वो देख लेते हैं। गिवन कंडीशन है पीएक्स इक्वल्स टू 41 माइनस 72x स्क्वायर। ठीक है सर, अब क्या करना है आपको? सिंपली सर, अब हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं करता हूँ पी डैश एक्स, देखो ये तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? ओनली -72, इसका हो जाएगा 36x। अब क्या करना है आपको? पुट पी डैश एक्स इक्वल्स टू 0, इनको आगे पीछे करके लिख लेते हैं। -36x -72 इक्वल्स टू 0, इसमें से -36 कॉमन ले लूँ तो एक्स प्लस 2 बचेगा अंदर, बिल्कुल बचेगा सर। एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 लूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जानी है आपके पास? -2 आ जानी है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये -2 है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? डबल डिफरेंशिएट। पी एक्स की वैल्यू क्या थी? -72, 36x। क्या करना है आपको? अगेन डिफरेंशिएट, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। पी डबल डैश एक्स देखो कितना आ जाएगा? -72 0 हो जाएगा, इसका -36 बचेगा जो कि लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो एक मिनट, हाँ, अब मैं अगर इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ -2, तब भी ये 36 रहेगा जो कि लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है मेरे पास, तो मैं क्या कह सकता हूँ सर? अगर ये लेस देन 0 है तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू -2 जो है आपके पास, एक्स इक्वल्स टू -2 वो क्या है मेरे पास? लोकल मैक्सिमा है। ये क्या है? लोकल मैक्सिमा। अगर ये वैल्यू अगर मैं फंक्शन में पुट करता हूं, कितना हो जाएगा? देखो 41 माइनस माइनस प्लस 72 जा कितना हो गया? 154। एक सेकेंड, 144, 7 का 140 हो जाता है। ठीक है सर, इधर देखो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72। समझ में आया? हाँ सर, इसमें 72 को लेस करना है आपको, तो कितना बचेगा आपके पास? वापस से 72 ही बचेगा और 41 इसको ऐड करोगे कितना बन जाएगा आपके पास? 33। अब देखो मेरी बात सुनना, ये आपके पास जो वैल्यू है ये क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ कंपनी जो है निकल के आया, ये निकल कर आया। तो मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। हैंस मैक्सिमम प्रॉफिट दैट आ कंपनी मेक इक्वल्स टू 133 यूएस। क्लियर हो गया क्या ये? हाँ सर, ये हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 6।